नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SBI बैंक अकाउंट का ATM का दोस्तों पिन होता है, कैसे बनाएंगे घर बैठे ऑनलाइन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक अकाउंट का ATM पिन बनाना ऑनलाइन, आप किस तरह से बनाएंगे, इस सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको वीडियो को आपको शुरू से लेकर आपको लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को हम करते क्या है कि शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, SBI बैंक का ATM का पिन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा, इसमें आपको दोस्तों सर्च करना है SBI बैंक। जैसे आप इसमें इतना सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर हमारे सामने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस तरह का वेबसाइट आएगा। इस वाले वेबसाइट पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा फाइनली हम SBI का दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट पर हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लॉग इन, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, फिर से देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे सामने में नज़र आएगा कंटिन्यू टू लॉग इन, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, फिर से हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको इसमें करना क्या है कि हमको यहाँ पर हमको इस तरह से हमको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कि न्यू यूजर रजिस्टर हेयर एक्टिवेट, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पर कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा हमारे सामने में काफ़ी सारे ऑप्शन इस तरह से नज़र में आएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि अकाउंट नंबर, तो हमको अपना बैंक का जो भी अकाउंट नंबर होगा अकाउंट नंबर हमको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा, नीचे में CIF नंबर मांगेगा, हमको इसमें CIF नंबर हमको यहाँ पर हमको एंटर करना है। एंटर कीजिएगा, नीचे में ब्रांच कोड मांगेगा, हमको अपना बैंक का ब्रांच कोड हमको इसमें एंटर करना है। ब्रांच कोड आपको इसमें एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको इसमें इस तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों नीचे में पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो वाला मोबाइल नंबर आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिएगा दोस्तों नीचे में फैसिलिटी रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, देखिएगा एक ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पर फुल ट्रांजेक्शन राइट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों ये वाला कैप्चर का मिलेगा, कैप्चर का आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा, एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको SBI बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग का दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड बनाना है। बनाने के बाद यहीं से आपको लॉगिन करके आपको ATM का एक नया पिन आपको बनाना है।